नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई तो आज बनाऊँगी मिल्क केक मिल्क केक बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं फ्रेंड्स और उसी मिल्क केक को घर में एकदम कम सामानों से आप बना के और मिल्क केक का मज़ा ले सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मिल्क केक के लिए यहाँ पर ली हूँ एक कप से थोड़ा सा कम चीनी आप देख पा रहे हैं कितना कम चीनी है हमारा और इतना में कितना मिठाई हमारा बनके तैयार होगा आगे वीडियो में आप देखेंगे तो सबसे पहले चीनी को हमें डाल देना है पैन में और पैन में ना ही पानी डालना है ना ही घी कुछ भी नहीं डाली हूँ सूखा पैन में हमें चीनी को डाल देना है और थोड़ा थोड़ा सही से हिलाते हुए इस तरीके से हमें पैन को गरम होने देना है और चीनी को भी गरम होने देना है जैसे ही चीनी आपका गरम होगा धीरे 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 से ये पिघलना शुरू हो जाएगा क्योंकि चीनी में हमें एक अच्छा सा कलर लाना है इसे कैडेमलाइज करना है हमें तो इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तभी जाके आपका चीनी बहुत ही अच्छे से घुल भी जाएगा और इसमें अच्छा सा कलर भी आएगा फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देख के ही आप इस मिठाई को बनाएंगे ऐसा नहीं कि आप सोचें कि एकदम आसान है तो झटपट से बना लें इसमें जो कोई कुछ तरीका है वो आपको जरूर अपनाने होंगे यदि आप पहली बार इस मिठाई को बनाने जा रहे हैं तो नहीं तो हो सकता है कहीं आप जल सकते हैं क्योंकि मिठाई में जो करमलाइज में बना रही हूँ इसका तरीका आपको पूरा भी देखना पड़ेगा अच्छे से वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड चैनल पर पहली बार आए हैं हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर लीजिएगा हर रोज़ आपके लिए कुछ नया ही लेके आने की कोशिश करती हूँ ऐसे हर रोज हमारा दो वीडियो आता है हमारे चैनल पर तो आप सुबह से ले कर दस बजे रात तक हमारा कभी भी दो वीडियो आएगा देख सकते हैं देखिए फ्रेंड्स अब जैसे ही चीनी का पैन गरम हुआ है अच्छा सा ये हल्का हल्का सा घुलना शुरू हो चुका है आप देख पा रहे हैं देखिए कुछ देर के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है और आपको लगेगा शुरू शुरू में कि ये चीनी घुल नहीं रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है अपने आप धीरे धीरे करके ये घुलना शुरू होता है मैं आपको चम्मच में लेके इसका कलर दिखाती हूँ देख पा रहे हैं क्योंकि पेन जो है ब्लैक है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा चीनी में थोड़ा सा हमें और कलर लाना है तो इस तरीके से कम आँच पे इसे थोड़ा देर और छोड़िए अब देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है गैस के आँच को अभी कम रखी हूँ और अभी वाला जो स्टेप है फ्रेंड जो मैं आपको बता रही हूँ उसे अच्छे से समझ लें एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बार बार घर में ही इतना टेस्टी मिठाई बना के तैयार करेंगे आपको बाज़ार से बिल्कुल भी लाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो अभी मैं कर दी हूँ गैस को बंद गैस को बंद करने के बाद थोड़ा देर एक आध दो मिनट के लिए आपको इंतज़ार करना है दो मिनट जब हो जाए तो जब तक हमारा करेमलाइज थोड़ा हल्का ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पर ले ली हूँ ब्रेड तो ब्रेड यहाँ पर आपको कम से कम सात से आठ ब्रेड का स्लाइस लेना पड़ेगा और इसका किनारे वाले को कुछ भी नहीं हटाना है और इसे रफली हमें इस तरीके से तोड़ लेना है तो ये वाले स्टेप चाहे तो आप पहले भी करके रख सकते हैं और चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि चीनी भी आप जब चाहें पका सकते हैं आप अपने इच्छा से जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं तो फ्रेंड सारे ब्रेड के टुकड़ा को हमें डाल लेना है मिक्सर जार में और इसका हमें पाउडर तैयार करना है इसमें कुछ डालना नहीं है जैसे कि पानी दूध कुछ भी नहीं बस सूखा ही इसका एक अच्छा सा ब्रेड क्रम जैसा तैयार कर लेना है तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पीस चुका है इस वाले मिठाई में ये फ़ायदा है कि ब्रेड का किनारे भी आपको हटाना नहीं है और ना ही मिल्क पाउडर चाहिए ना ही क्रीम ना ही मावा ना ही खोआ ना ही आपको इसमें चाहिए होगा कुछ भी सामग्री जैसे कि नारियल का पाउडर ये सब कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी मिठाई एकदम सुपर टेस्टी बनेगा तो आप जैसे छोटा मोटा कभी आप कुछ कर रहे हैं घर में फंक्शन या आपको कभी मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट से इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दो बार में अच्छे से ब्रेड को सारे ब्रेड को इस तरीके से बारीक करके पीस ली हूँ जितना बारीक पीस जाए उतना आप पीस सकते हैं देखिए बहुत ही अच्छा है तो अब चलिए इसे थोड़ा भूनना पड़ेगा भूनने के लिए पैन को चढ़ा ली हूँ चूल्हे पर अब इसमें अभी भी आपको कुछ भी नहीं डालना है घी वगैरह सिर्फ इसे सूखा सूखा ही आप भूनें जब आप ब्रेड को भूनेंगे तो थोड़ा सा आपको गीला गीला सा ये लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होता है नमी को हमें ख़त्म करना है तो यहाँ पर आपको तीन से चार मिनट लगेगा ब्रेड को अच्छे से भूनते हुए और हल्का सा जब ये सूखा सूखा सा आपको लगने लगे भूनने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा तो बस इतना ही देरी से भूनना है तो चलिए इसे अच्छे से भून लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ आपको बिना गैस जलाए हुए बेसन के लड्डू की रेसिपी चाहिए फ्रेंड तो आप कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी और भी रक्षाबंधन के लिए आप कोई आसान सी मिठाई की रेसिपी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी तो देखिए अभी हमारा जो ब्रेड है अच्छे से भून चुका है इसे मैं निकाल ले रही हूँ दूसरे बर्तन में नहीं तो इसमें रहेगा तो ये जल जाएगा तो चलिए अब चलती हूँ चीनी के तरफ तो चीनी अब हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब एक कप यहाँ पर दूध ली हूँ दूध पहले से गर्म किया हुआ है लेकिन अभी यह ठंडा है तो देखिए अभी भी यह चीनी कितना गर्म है तो पहले आप थोड़ा सा डालेंगे अभी का जो स्टेप है फ्रेंड्स ये आपको बहुत केयरफुली करना होगा यदि आप एकदम गर्मा गर्म में यदि दूध डालते हैं या पानी डालते हैं तो वो बहुत तेज़ उड़ता है उछलता है पैन से बाहर आने का वो कोशिश करेगा तो हो सकता है कि अभी आपके ऊपर ये उछल के आ जाए तो ये वाले स्टेप जो है आपको कोई भी मिठाई इस टाइप का बना रहे हैं मैं नहीं कहती कि हमारा ही वीडियो आप किन्हीं का भी वीडियो देख रहे हैं तो ये वाले स्टेप समझ ले पहले अच्छे से अभी मैं गैस को बंद करके थोड़ा देर के बाद इसमें दूध डाली हूँ जब आप इसमें दूध डालते हैं तो ये चीनी वाला जो है एकदम टाइट टाइट सा आपको लगेगा आपको लगेगा ये घुलेगा ही नहीं तो अभी क्या करना है फिर से गैस को ऑन करना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है जैसे जैसे ये गर्म होता होता जाएगा वो जो चीनी का इसमें क्रिस्टल है बिल्कुल घुलते चला जाएगा तो दूध के साथ अच्छे से आपको चीनी वाले घोल को जो जमा हुआ सा है उसे घोल लेना है धीरे धीरे करके ये घुल जाएगा तो देखिए अब हमारा चीनी बहुत अच्छे से दूध के साथ घुल के मिक्स हो गया है और इसका कलर देखिए फ्रेंड कितना ही प्यारा आया हुआ है इसी से आपके मिठाई को बिल्कुल मिल्क केक के जैसा कलर मिलेगा अब इसमें डाल दी हूँ भुना हुआ ब्रेड को और अच्छे से मिक्स करना है जब आप इसमें ब्रेड डालते हैं तो गैस को बंद कर दें और अच्छे से इसे मिक्स करें थोड़ा दबा दबा के इस तरीके से आप मिक्स करेंगे तो इसके अंदर पूरा चीनी और दूध वाला जो घोल है पूरे अच्छे से चला जाएगा और यदि गीला गीला सा आपका हो गया है मिठाई का मिक्सचर तो इसे थोड़ा देर इस तरीके से चलाते रहें तो बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है जैसा मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है बहुत अच्छे से कोई खा के ये नहीं पता लगा पाएगा कि इसे आपने ब्रेड से बनाया है अब यहाँ पर डाल देती हूँ एक चम्मच घी क्योंकि इसमें कुछ नहीं गया है थोड़ा घी डाल देंगे तो इसमें थोड़ा चिकनापन आएगा और मिठाई में खाने में थोड़ा स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा इसके लिए एक चम्मच ही घी डाली हूँ आप नहीं डालना चाहते हैं एक चम्मच घी तो बिल्कुल भी ना डालें ऐसे ही बना लें क्योंकि इसमें दूध गया है, तो उससे भी इसमें स्वाद आ जाएगा आप एक आध दो चम्मच मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एक कंटेनर में थोड़ा बटर पेपर लगा के अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ अब सारे मिठाई के मिक्सचर को इसमें डाल देना है हमें अच्छे से और दबा दबा के सेट कर देना है अब इसके ऊपर से कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप डाल के और अभी ही अच्छे से सेट से कर देंगे तो वो चिपक जाएगा ऐसे आप अपने पसंद से जैसे इस मिठाई को सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करेंगे तभी तो हमें बनाने में भी अच्छा लगेगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा इस तरीके से अच्छे से दबा देना और दबाने के बाद इसे एक से डेढ़ घंटे तक हमें रख देना है इसी तरीके से बाहर में आपको इसे फ्रिज में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है एक घंटे के बाद इसे दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक घंटा हो गया हमारे मिठाई को रखे हुए और ये बहुत अच्छे से सेट से हो चुका है तो चलिए अब निकाल के आपको दिखाती हूँ निकालना भी बहुत आसान है आराम से ये निकल जाता है अब कट करके दिखाती हूँ मिठाई को कट करने के लिए आप इसका जैसा सेप चाहते हैं दे सकते हैं तो इसका पहले मैं बराबर से चार टुकड़ा कर लेती हूँ अभी रोज़ मिठाई का ही वीडियो जा रहा है फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है इसके लिए मैं थोड़ा सा बना के आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ आप इसी तरीके से किलो दो किलो हाफ किलो पाँव किलो जितना मिठाई बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं देखिए इसे थोड़ा सा तिरछा कट कर ली हूँ और देखिए कितना ही सुंदर मिठाई लग रहा है हमारा कोई नहीं कहेगा कि ये ब्रेड से बना हुआ है पहले आप बना के खाएं फिर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे तो देखिए बनके तैयार है हमारे मिल्क केक मिठाई सुपर टेस्टी बनाना आसान कम खर्च में बहुत सारा मिठाई और आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ देखिए कितना ही सॉफ्ट है तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू